पानीपत असंध रोड परेल नहर के साथ पानीपत रिफाइनरी व नाफ्ता प्लांट को सड़क जाती है। यह सड़क लगभग 13 किलोमीटर लंबी है और इस पर से पिछले 8 सालों से भारी वाहनों की आवाजाही है। इस 13 किलोमीटर लंबी सड़क से तो रेलवे लाइनें निकलती हैं, एक मेन लाइन जो कि जींद को जाती है, दूसरी लाइन जो कि रिफाइनरी की लाइन है और इस पर से रिफाइनरी की ट्रेन गुजरती है और रेलवे लाइन पर कोई भी फाटक नहीं है। पिछले 2 महीने से पानीपत के उपायुक्त के आदेश के अनुसार इस मानव रहित फाटकों को दोनों ओर से लगभग 2 किलोमीटर का एरिया को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण आसपास के गांव के लोगों को, ट्रक चालकों को भारी परेशानी और नुकसान झेलना पड़ रहा है। डीसीसी मिली भगत में चल रहा है, टोल प्लाजा से पैसे खा रखे हैं, ये हमारे को खत्म कर रहे हैं, ये लाइन रिफाइनरी तक ही जा रही है। अरे कभी इसकी शिकायत नहीं की आपने? पहले ही नहीं खुला था, नहीं पड़ी तो खुला था। नहीं, बंद होने के बाद शिकायत नहीं की आपने? हाँ की है, उनको बोला, इसके सामने जो मिस्त्री काटने आया था उसको बोला था मैंने, भाई ऐसे कर थोड़ा मोटरसाइकिल का रास्ता तो छोड़ दे, चलो जब देखेंगे बाद में। नहीं, आपने रिफाइनरी वालों को या डीसी वाले से बोला है? रेलवे वालों से क्या कह रहे हो? वो नहीं मान रहे, नहीं हो रही। हमारे गांव में कम से कम 7 से 8 हज़ार आबादी वाला गांव है, इसकी वजह से हमारे एक जन जन बच्चे से लेके बुजुर्ग तक दुखी है। ये जो रोड है इसका बहुत बड़ा सहयोग है रिफाइनरी से, 5-6-7 गांव है, रेर मुनक बड़ा, और ये सारे गांव वाले इसी से जाते हैं, और इसको बंद होने की वजह से हमारे जो डेरे वाले हैं नागरिक वो बड़े दुखी हैं। ना तो दवाई, अगर कोई परेशानी रात को हो जाए तो उनको मेडिकल फैसिलिटी बहुत मुश्किल मिलेगी। और पानीपत से जाट टीवी न्यूज के लिए सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट।